तो देखिए मेरा पालक मटन बन के तैयार हो गया, और इसे आप रोटी से खाइए, पराठे से खाइए, नान से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। हाय फ्रेंड्स, नमिताज होम किचन में आप सभी का स्वागत है। और आपको मेरा चैनल अगर पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बहुत सारा कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज पालक मटन बनाने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पैन में पानी चढ़ाएंगे। अब पानी गर्म हो गया है और हम 250 ग्राम पालक ले लिए हैं। इसे अच्छे से वाश करके कट कर लिए हैं और इसे पानी में डालेंगे हम लोग। बस 1 मिनट के लिए डालना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। बस इतना ही कि हल्का सा इसमें स्टीम आ जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है और इसे ढक देंगे हम। तो देखिए 1 मिनट हो गया और अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं, क्योंकि साइड साइड से देखिए बॉयल आ रहा है। और इसे एक चलनी में निकाल लेंगे। अब फिर मैं बाद में बताती हूँ इसे कैसे पीसना है हमें। तो देखिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में कुकर को चढ़ाएंगे गैस पे और इसमें तेल डालेंगे। सरसों तेल हम लोग डाल रहे हैं, करीब 4 बड़े चम्मच हैं, खाना खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच मैंने तेल डाला, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। और तेल गर्म हो गया है, इसमें हम ये देखिए दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची है, इन तीनों चीज़ों को हम डाल देंगे। और अब हम लहसुन डालेंगे, प्याज डालेंगे और तेज़पत्ता डालेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें मटन डालेंगे। मटन 300 ग्राम है। और अब इसे हम कलर चेंज होने तक लो फ्लेम पे ही पकाएंगे थोड़ा देर। अब देखिए कलर चेंज हो गया है मटन का। और इधर मसाला है, मसाले में धनिया पाउडर है 1 छोटी चम्मच, और एक गरम मसाला ये भी है 1 छोटी चम्मच, और जीरा है, जीरा पाउडर ये भी 1 छोटी चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर है ये भी 1 छोटी चम्मच, और ये हल्दी है ये भी 1 छोटी चम्मच। इन सबको ऐड करेंगे इसमें। अब फिर अच्छे से हम लोग इसे चलाएंगे। और देखिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे भी हम लोग ऐड करेंगे। और ये टमाटर है, एक टमाटर मैंने लिया है, कट कर लिया अच्छे से, इसे भी डाल देंगे और इसे भूनेंगे। और इसे अब कम से कम 15 मिनट हम लोग पकाएंगे, सीटी लगा देंगे। पानी डाल देते हैं। तो देखिए पालक ठंडा हो गया है। और अब हम लोग एक मिक्सी के जार लेंगे, इसमें एकदम दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। एकदम पेस्ट नहीं बना देना है, चटनी के जैसे। तो अब गैस का फ्लेम हम बंद करते हैं और देखते हैं कहाँ तक हुआ है। और अब हम फिर से गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। और थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच के करीब दही डालेंगे, बस इसको अच्छे से भूनेंगे इसके बाद। तो देखिए मटन भी अच्छे से भून गया है। अब हम लोग इसमें पालक जो पीस के हल्का रखे हैं इसे डालेंगे। और हाँ, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, अभी हम नमक नहीं डाले हैं, नमक लास्ट में डालेंगे। और इसे अच्छे से चलाएंगे, इसको भूनेंगे हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। पालक बहुत फ़ायदा करता है हम लोगों के लिए, कैल्शियम मिलता है पालक से। और देखिए मटन तो हैवी होता है, लेकिन अगर आप पालक में बनाइएगा तो पता ही नहीं चलेगा, ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा, खाने में दिक्कत भी नहीं होगा आपको, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये नमक अब डालते हैं हम लास्ट में, अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। और हाँ, इसमें पानी नहीं पड़ेगा, इसी के ग्रेवी से बस तैयार रहेगा। और मैंने हरी मिर्च को लंबे लंबे काट लिए हैं, इसे डाल देती हूँ, आप अपने इच्छा अनुसार डालिएगा। बच्चे बहुत तीखा नहीं खाते हैं, बड़े लोग भी बहुत तीखा नहीं खाते हैं।
और ये पालक के साथ जो बना है ना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रहता है। आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मटन खाने से बहुत लोगों को दिक्कत होता है ना दो चार घंटे बाद, लेकिन ये पालक मटन से एकदम दिक्कत नहीं होगा। तो अभी एकदम तैयार है। थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा देते हैं कुकर का। तो देखिए मेरा पालक मटन बन के तैयार हो गया। और इसे आप रोटी से खाइए, पराठे से खाइए, नान से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और हाँ, आप भी ज़रूर बनाइएगा और बताइए कमेंट में कि कैसा बना है। और अगला रेसिपी मैं नॉनवेज में क्या बनाऊँ ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।